शहर को मिली सौगात। डायबिटिक नेत्र इमरजेंसी क्लिनिक का भव्य शुभारंभ नरकटियागंज शहर के पुरानी बाजार स्थित हॉस्पिटल चौक के समीप डायबिटिक एवं नेत्र इमरजेंसी क्लिनिक का भव्य शुभारंभ हुआ। अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के पश्चात क्लिनिक में आधुनिक मशीनों की जानकारी डॉक्टर सजाउल्लाह द्वारा अतिथियों को दी गई। व्यवस्थापक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बताया कि सन्नी हॉस्पिटल्स का दूसरा ब्रांच आधुनिक उपकरणों से लैस है। वही इस इमरजेंसी अस्पताल के मुख्य डॉक्टर शुजाउल्लाह दिल्ली छोड़कर अपने क्षेत्र में पहुंचकर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि यहां मरीजों के लिए 24 घंटा इमरजेंसी सेवा की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं की डिलीवरी, बच्चों का इलाज, बुजुर्ग व्यक्तियों का शुगर का फ्री इलाज, फोटोथेरेपी सिस्टम से नवजात शिशु का इलाज एवं सभी प्रकार के अन्य सामान्य रोग के इलाज की व्यवस्था है। आगे कहा कि एक बार सेवा का मौका दे गरीब और असहाय लोगों के साथ साथ किफायती कीमत पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना ही हमारी टीम की पहली प्राथमिकता होगी। मुख्य अतिथि सह भाजपा नेत्री रेणु देवी ने इस अस्पताल की व्यवस्था को लेकर काफी तारीफ की और कहा कि इस तरह के अस्पताल खुलने से शहर के मरीजों को सहूलियत होगी। मौके पर नगर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हॉस्पिटल का जो शुभारम्भ हुआ है बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो डॉक्टर साहब से मेरी बातें हुई है, खास करके आप समझ जान रहे हैं कि आज के जो समय चल रहा है हर व्यक्ति मतलब कि किसी न किसी बीमारी से ग्रसित तो है ही, और इसका वजह भी है खान पान अनेकों प्रकार की मतलब कि कमजोरी है उसका। लेकिन शुगर का जो बात यहाँ पे चल रहा है कि आजकल शुगर जो है ना एकदम से कॉमन हो गया है, और इसके लिए डॉक्टर साहब बोले हैं कि जो भी बुजुर्ग लोग आएंगे और जो भी विशिष्ट लोग आएंगे ये लोग का हम मैंने फ्री इलाज या सेवा हम करेंगे यहाँ पे। यहाँ हॉस्पिटल खुलकर बहुत अच्छा हुआ। यहाँ के स्पेस जो है, यहाँ के जगह के अनुसार बहुत अच्छा जगह है, इसके लिए हम शुभकामना करती हूँ इस हॉस्पिटल के लिए। सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहली बात है कि वहाँ पे है ना मेरे पास स्पेस था, वो आईसीयू के लिए था, आईसीयू के लिए ओपनिंग किया था, मगर यहाँ पे हम 24 घंटा सुविधा दे रहे हैं। जो नाइट में यहाँ पे कोई भी पेशेंट रुक नहीं पाता था, डायरेक्ट उसको बतिया जाना होता था, उसके लिए हम सिस्टम लेके आए हैं कि हमारा हॉस्पिटल रात भर खुलेगा। हम भी रात भर अवेलेबल हैं, हमारा स्टाफ रात भर अवेलेबल है। दूसरा चीज़ है कि ये सेंटर पे जो पेशेंट का है तो हम तो डायबिटिक के लिए बैठेंगे, ये सेंटर पे यहाँ पे अभी फिलहाल तो हम स्टार्ट नहीं किए हैं। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का सिस्टम, जो मिनिमम रेट हो, जो मार्केट में जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से नहीं हो। दूसरा चीज़ है कि हम एक पेशेंट के लिए स्पेशली फोटोथेरेपी का सिस्टम लाए हैं। जो बच्चे नवजात शिशु 3-4 दिन के बाद सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है आज के डेट में, तो उससे क्या है कि वो बच्चा जो डेथ कर रहा है उसका कारण है कि उसका बिलरुबिन बढ़ा हुआ रहता है, उसके कारण उसका अमोनिया का है ना लेटरिन में सेक्रेशन, उसके बॉडी में ब्लड में ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, जो बच्चा डायरेक्ट फीड छोड़ दिया तो उसको कम करने के लिए हम स्पेशल यहाँ पे लाए हैं फोटोथेरेपी का सिस्टम। उसमें है हमारा सिंगल फेस भी है, डबल फेस सरफेस भी है, ट्रिपल सरफेस भी है। जैसे जिसका बिलरुबिन किसी का 10 से ऊपर होता है तो माना जाता है कि बच्चा क्रिटिकल है, 17-18 तक होता है, तो उन लोग को चाहिए कि इस चीज़ का फ़ायदा लें। उससे क्या ये होगा कि जो नंबर ऑफ डेथ स्टार्टिंग में जो बच्चा का न्यू बॉर्न बेबी का हो रहा है वो डिक्रीज करें। तो स्पेशली है कि नया नया सिस्टम लेके आए हैं, जो मैंने देखा जो किया वो चीज़ लेके आए हैं। चाहेंगे कि आप लोग एक बार सिस्टम पेशेंट आए, बच्चे को लेके आए, या शुगर वाले जो हैं स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, जो मैडम अभी आपके पास बोली कि हाँ उनको फ्री किया जाएगा, यहाँ पे सच में फ्री किया जाएगा। जो भी हमारे वरिष्ठ हैं उनको हम शुगर फ्री में देखेंगे। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक हमको जो पेंशन वाले होते हैं उनकी सैलरी कम हो जाती है, वो कहाँ से एफर्ड करेंगे फीस आपका चेकअप ये सब। तो जहाँ तक मिनिमम होगा, मिनिमम मेडिसिन, मिनिमम चेकअप और फ्री ऑफ कॉस्ट जितने ओल्ड एज हैं उनके लिए शुगर का हम लोग फ्री रखें।
थैंक यू। हमको तो सबसे पहली बात है कि लगा है कि डॉक्टर साहब खाली हम ही को देख कर कह रहे हैं, क्या की वरिष्ठ है ये है, पेंशन धारी है ये है, शुगर के पेशेंट लगभग 30 वर्षों से है, तो ये सब तो अच्छी बात है। अब रह गई बात कि यह एक अनुभव की बात है, नरकटियागंज की धरती पर जब हम लोग कुछ मिलेंगे जुलेंगे, कुछ लोगों की ऐसी सेवा और इनके डॉक्टर साहब की व्यवस्था देखने को मिलेगी, यह स्वतः हो जाएगा। अभी जो इनकी बातों से लग रहा है कि हाँ यहाँ के लिए चिंतित हैं, इनको कुछ करने की ललक है, क्योंकि दिल्ली की सेवा देकर के कोई अगर नरकटियागंज की धरती पर आता है, वो बिना धरती से प्रेम किए हुए वह नहीं आ सकता है, क्योंकि सब लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं, तो वहां से कोई कहे आएगा। इसलिए खुशी की बात है, सुखद समाचार है, और आज हम लोगों का देव दीपावली भी है, साथ साथ आज हम लोगों का पूर्णिमा का नहान भी है, इस अवसर पर ऐसे शुभ काम हुए हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर नव दंपति को हम लोगों की शुभकामना रहेगी, सहयोग रहेगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक यहाँ लोगों की सेवा दे सकेंगे।